नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय चौधरी। आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा जो वीडियो है वो राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड है। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश आता है राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ का इतिहास। और उस मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योद्धा है जिनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है राणा सांगा। तो आज हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं, इनके युद्ध हैं। देखिए, राणा सांगा का जो कार्यकाल है वो 1509 से 1527 माना जाता है। इनका ओरिजिनल जो नाम है वो था संग्राम सिंह। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल था और उन्हीं रायमल के ये बेटे थे सांगा। और रायमल जी जो हैं इनके पिता थे कुंभा। तो कुंभा के सांगा क्या हो गए? ये पुत्र हो गए। राणा सांगा है ये कुंभा के पुत्र थे। और कुंभा के एक दूसरे बेटे भी थे जिनको आप उदा या उदय सिंह फर्स्ट के नाम से प्रसिद्ध है, वो उदा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। और कुंभा के दूसरे बेटे थे रायमल, इन्हीं रायमल की संतान थे राणा सांगा। देखिए, रायमल जी के तीन बेटे थे, पृथ्वीराज, राणा सांगा और जयमल। तो रायमल जी के तीन बेटे थे, पृथ्वीराज, राणा सांगा और जयमल। ये पृथ्वीराज जी सबसे बड़े थे, जिनको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार ये तीनों भाई किसी ऋषि से मिले। तो यूं जंगल में जा रहे थे, उन ऋषि ने ये कहा कि इन्होंने ये भी पूछा कि हम तीनों भाइयों में राजा कौन बनेगा। तो उस ऋषि ने ये भविष्यवाणी की कि आप में से जो राणा सांगा है ये आपके मेवाड़ के होने वाला नेक्स्ट महाराज है। ये सुनते ही पृथ्वीराज जी को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने उसी समय तलवार से इन पर हमला कर दिया। तो ये दोनों भाई फिर इनके जान के पीछे पड़ गए। राणा सांगा अपनी जान बचा के और वहां से भागे और अजमेर में उस समय थे महपा करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार ने राणा सांगा को संरक्षण दिया और इनको अज्ञातवास में रखा, इन सब से छिपा करके। अब देखिए, ये अज्ञातवास से कब निकलेंगे? कुछ समय बाद ही ये पृथ्वीराज और ये जयमल, ये दोनों अपनी मौत ही मारे गए। तो अब जब रायमल जी की मृत्यु हुई तो अब सभी ने राणा सांगा को खोजना शुरू किया कि हाँ वो जिंदा है और अज्ञातवास का जीवन निकाल रहे हैं। और तब इनको लेकर के यहाँ पर मेवाड़ में आए। देखिए, मेवाड़ के अंदर आपका आज का वर्तमान का उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये उस समय का आपका मेवाड़ कहलाता था। तो राणा सांगा का यहाँ पर 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक किया गया। देखिए, उस समय तक राणा सांगा की एक आंख उसी समय फूट चुकी थी जब पृथ्वीराज ने राणा सांगा जी पर हाथों हाथ हमला किया था। तो एक आंख इनकी उसी समय फूट चुकी थी। राणा सांगा ने, अब देखिए ये अपना कितना दिमाग और कितना तेज माइंड का व्यक्ति है, ये राजा बनते ही तोड़े, इन्होंने राजा बनते ही यहाँ आपका मारवाड़, ये बीकानेर, यहाँ आपका आमेर, ये बूंदी, ये बागड़,
इन सभी के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ ही यहाँ अजमेर के अंदर जो परबसर है, अजमेर का है, बनेड़ा है, ये सारे जो हिस्से हैं इस दिशा में महपा करमचंद पवार हैं। तो महपा जो करमचंद पवार हैं इनको यहाँ का गार्ड नियुक्त कर दिया। जैसे यहाँ परबसर आपका नागौर में है, अजमेर है, बनेड़ा, इन सभी क्षेत्रों का इस दिशा में एक इनको प्रहरी बिठा दिया कि इस तरफ सुरक्षा के लिए ये बैठ गए। वैवाहिक संबंध ये स्थापित कर ही चुके हैं सबके साथ। अब देखिए, जिस समय राणा सांगा शासक बनते हैं उस समय इनके तीर मुख्य दुश्मनों से ही घिरे हुए थे। यहाँ गुजरात है, यह आपका मेवाड़ है। गुजरात में क्वेश्चन आता है कि जिस समय राणा सांगा राजा बनते हैं उस समय गुजरात, मालवा और दिल्ली, यहाँ पर किस किस का शासन था? तो उस समय गुजरात में शासन था महमूद शाह बेगड़ा, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का शासन था। ये मालवा, यहाँ का जो ये झालावाड़ से नीचे का इधर का जो हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश आज का वर्तमान थोड़ा सा प्रतापगढ़ का हिस्सा, ये सारा आपका कहलाता था मालवा, जिसकी राजधानी थी मांडू। यहाँ का उस समय सुल्तान था नासिर शाह खिलजी, नासिर शाह खिलजी। और दिल्ली के अंदर उस समय लोधी राजवंश का था। तो लोधियों के अंदर उस समय राणा सांगा के समय 1509 की स्थिति है ये, 1509 में यहाँ का सुल्तान था सिकंदर लोधी। तो ये इनके आसपास के दुश्मनों की स्थिति है। अब देखिए, यहाँ पर उदयपुर से और आज के समय वर्तमान में स्थित एक रियासत पड़ती थी इडर रियासत। इडर रियासत में कोई राजा भारमल हुआ करता था, वहाँ राजा भाण था। उस भाण का एक बेटा था भारमल, वो इस महमूद शाह बेगड़ा का समर्थन करता था। तो राणा सांगा ने उस भारमल को हटा करके इनका जमाता था रायमल, इसको यहाँ बिठा दिया इडर रियासत पे। तो अपना जो समर्थक है इनके बीच में और इनके बीच में अपने पक्ष में होने वाले एक व्यक्ति बिठा दिया। मालवा में नासिर शाह जो खिलजी हैं, इनका वजीर था मेदिनी राय। तो मेदिनी राय इनसे किसी बात से नाराज़ हो गया, नासिर शाह खिलजी से। तो ये जो गागरोन की जागीर है, यहाँ मध्य प्रदेश में एक और पड़ता है चंदेरी, गागरोन और चंदेरी, ये जो दोनों जागीरें हैं ये इस मेदिनी राय को सौंप करके और यहाँ पर गागरोन के वाली जगह पे इसको बिठा दिया। तो देखिए कितनी समझदारी के साथ में अपने चारों ओर इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपने आसपास जो इनके समर्थन करने वाले हैं उन सबको अपने आसपास बिठा करके एक मजबूत राजपूत मैत्री गुट बना लिया इन्होंने। उसके बाद देखिए इनके महत्वपूर्ण अब युद्ध होंगे यहाँ पर। अब देखिए 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो चुकी है और नया सुल्तान बनता है यहाँ पर इब्राहिम लोधी। स्थितियाँ सब बदल चुकी है, अब मालवा का सुल्तान है महमूद खिलजी सेकंड और गुजरात का सुल्तान है महमूद शाह बेगड़ा का बेटा मुजफ्फर शाह। अब देखिए राणा सांगा का सबसे पहला युद्ध होता है खातोली का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ में 1517 खातोली का युद्ध। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, इस युद्ध में राणा सांगा को एक तरफा विजय प्राप्त होती है, राणा सांगा की जीत हो जाती है। और खातोली जो है वो आपको वर्तमान जो आपका कोटा है आज का, खातोली आज के आपके वर्तमान कोटा में पड़ता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी भी एक साम्राज्यवादी था, ये भी अपना शासन फैलाना चाहता था। और राणा सांगा का जिस तरह से नाम चारों ओर हो रहा था इसको भी खतरा था। तो 1517 में होता है खातोली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त होती है और खातोली वर्तमान में कोटा में है। अब देखिए यहाँ धौलपुर में
एक जगह है जिसका नाम है बाड़ी। 1519 फरवरी के आसपास वो ही फिर से राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यहाँ पर इनका एक सेनापति होता है मियाँ मक्कन। उस मियाँ मक्कन के नेतृत्व में सेना भेजता है और बाड़ी में, इसलिए इस युद्ध को बाड़ी का युद्ध भी कहते हैं। बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में है, इसलिए इस युद्ध को धौलपुर का युद्ध भी कह देते हैं। और इस युद्ध में फिर से राणा सांगा की विजय होती है। तो 1517 में खातोली का युद्ध, वही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। 1519 में बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में है, वही राणा सांगा और फिर से इब्राहिम लोदी। मियाँ मक्कन के नेतृत्व में सेना भेजता है, इसमें भी राणा सांगा को विजय प्राप्त होती है। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हराने के बाद में पूरे राजपुताना में सांगा का डंका बजने लग जाता है और सब अपने आप से मन ही मन में राणा सांगा को अपना एक नेता स्वीकार कर लेते हैं पूरे राजपुताना का। इसके बाद में देखिए, अब जो नेक्स्ट युद्ध है, अब देखिए नेक्स्ट जो युद्ध है ये होता है 1519 में नवंबर में। यहाँ गागरौन है, आज का झालावाड़ में। गागरौन पर अधिकार को लेकर के, इसलिए इसको गागरौन का युद्ध भी कहते हैं। गागरौन पर अधिकार को लेकर के यही सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा को फिर से एक तरफा विजय प्राप्त होती है। राणा सांगा महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है, 5-6 महीने तक उसको बंदी बना के रखता है और बाद में इसको वापस छोड़ देता है। तो ये इनका तीसरा युद्ध हो गया 1517 में। फिर 1519 में 2 युद्ध होते हैं। अब इनके आएंगे महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है, हरियाणा में है। और इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त होती है और इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है। पहला सुल्तान होता है जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। अब देखिए, अब जब तक बाबर राजपुताना के सबसे मजबूत शासक राणा सांगा को जब तक अपने रास्ते से नहीं हटाएगा, तब तक ये भारत पर शासन करने के बारे में नहीं सोच सकता। तो अब देखिए, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में 100% युद्ध तो होगा। तो देखिए यहाँ पर भरतपुर में बयाना है, बयाना दुर्ग। यहाँ इस तरफ आपका फतेहपुर सिकरी है। बाबर अपना डेरा फतेहपुर सिकरी में डाल लेता है, वर्तमान यूपी में पड़ता है ये, आगरा के पास। इस बयाना दुर्ग पर बाबर की जो सेना है वो अपना अधिकार कर लेती है। तो राणा सांगा यहाँ पर आता है और 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। वही राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच, राणा सांगा की सेना है वो बाबर की सेना को बयाना से भगा देती है और फिर से बयाना का जो युद्ध है इसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त होती है। अब देखिए 16 फरवरी 1527, इसके पूरे 1 महीने बाद यानी 17 मार्च 1527 को पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा मोड़ देने वाला, सबसे प्रसिद्ध युद्ध होता है खानवा का युद्ध। देखिए खानवा जो है वो वर्तमान भरतपुर की रूपवास तहसील में पड़ता है। देखिए सांगा की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी
कि सांगा बयाना के दुर को जीतने के बाद सीधा इस रास्ते से बाबर की तरफ नहीं जाता फतेहपुर सीकरी, और यहाँ पर भुसावर होकर के भरतपुर में ही है, भुसावर होकर के जाने वाला मार्ग चुनता है। और भुसावर में ही कहते हैं कि मैं 1 महीने तक ठहरा रहा, जिससे बाबर को खानवा में, जो आज का एक गांव भी है रूपास तहसील में, सबसे अच्छी जगह जो थी खानवा के मैदान में, वो उसने युद्ध के लिए चूज़ की। अपना सारी सेना को उस तरफ रखा जहाँ वो एक जगह बैठ करके पूरी सेना का, पूरे मैदान का संचालन कर सकता था। तो देखिए 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध होता है। देखिए इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती पेरवन की प्रथा के तहत, पाती पेरवन यह होता था एक प्रकार से, आप ये समझिए कि किसी को चिट्ठी भेजना। राणा सांगा ने सारे राजपुताना के जो मुख्य मुख्य शासक थे, राजपुताना का कोई सा भी ऐसा वंश नहीं था जहाँ से राणा सांगा की ओर से उसने मुगलों को बाहर भगाने के लिए युद्ध में हिस्सा नहीं लिया हो। तो इस पाती पेरवन में राणा का सहयोग करने के लिए, इस पाती पेरवन के तहत कौन कौन आए थे जिसको राणा ने पाती विजय रुवाए थे, तो देखिएगा बीकानेर में उसमें राजा जेतसी थे। जेतसी ने अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी राणा सांगा की सहायता के लिए। मारवाड़ में उसमें थे राव गांगा। राव गांगा ने अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आमेर, आमेर में थे उस समय पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज ने खुद ने हिस्सा लिया था, और राणा सांगा की यह बहादुरी से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, इन्होंने अपने बेटे का नाम भी सांगा रख दिया था, जिसने सांगानेर बसाया है। यह बागड़ प्रदेश है, इस बागड़ प्रदेश से उदय सिंह आए थे। इसके अलावा जाला, अजार, ना जाने कितना ही बूंदी शेर, हर जगह से पूरे राजपुताना का ऐसा कोई सा भी भाग नहीं था जहां राणा सांगा की सहायता करने के लिए इनमें से कोई नहीं आया हो। अब देखिए इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब हिंदू सेना बड़ी थी और मुस्लिम सेना छोटी थी। राणा सांगा की सेना बड़ी जरूर थी यहां पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि वो संगठित नहीं थी, वो अपने अपने राजाओं के नेतृत्व में चल रही थी। तो इस तरफ ये राणा सांगा की सेना है, ये बाबर की सेना है। बाबर की सेना का जो नेतृत्व है वो एक मुस्लिम कर रहे थे, हसन खां मेवाती, जो राणा सांगा के मुख्य सेनापति थे, वो नेतृत्व करते हैं यहाँ पर। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त होती है। विजय के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं यहाँ पर, एक तो था बाबर का तोपखाना, जिसके जो मुख्य तोपची थे वो थे अली और मुस्तफ़ा, और दूसरा जो कारण माना जाता है वो है इनकी दुर्गमापत्ति। ये दो बाबर की जीत के मुख्य कारण माने जाते हैं। कहते हैं बाबर ने युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है धर्म योद्धा। युद्ध के बीच में राणा सांगा की शहर, जो सेना ने इतना कहर बरपाया था कि बाबर की सेना भाग खड़ी हुई थी, तो बाबर ने इसको जिहाद घोषित कर दिया था, धर्मयुद्ध घोषित कर दिया था। पूरी सेना में जोश भरा था, जिससे इनके भागते हुए सैनिक रुक गए थे। शराब के जो प्याले थे वो इन्होंने तोड़वा दिए। एक अलतमगा कर और था, अलतमगा नाम का कर था, जो एक प्रकार का व्यापारी कर लिया जाता था ये जो मुस्लिमों से, इस कर को समाप्त कर दिया था। तो पूरे जोश खरोश के साथ ये फिर से युद्ध किया इन्होंने, और इस तरह से राणा, इसमें जो बाबर को विजय प्राप्त होती है। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, और इनका मुकुट एक व्यक्ति धारण करता है जिसका नाम है झाला अज्जा। यह राणा सांगा का मुकुट धारण, यहाँ राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं यहाँ से खानवा के मैदान में, तो इनको जो दोसा है
बस हुआ, यहाँ पर ले जाया जाता है, यहाँ पर इनका इलाज होता है। यहाँ से जब होश में आने के बाद में इनको पता चलता है कि बाबर जो है चंदेरी में जो मेदिनी राय है उसको ख़त्म करने के लिए गया है, तो ये इस मेदिनी राय की सहायता के लिए चल पड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कालपी में पीरिज के मैदान में अपना डेरा जमाते हैं। लेकिन राणा सांगा के जो साथ के सरदार हैं वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि हमारी सारी सेना सब कुछ समाप्त हो चुका है और हम अब जीत प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि इस नए युद्ध के विरोधी थे। इन्होंने राणा सांगा को कालपी के अंदर विष दे दिया, जहर दे दिया, जिससे राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है जहाँ राणा सांगा की समाधि है, वहाँ ला करके इनका दाह संस्कार किया गया। तो ये युद्ध पूरे ना केवल राजपूताना का था बल्कि पूरे भारत के इतिहास में बहुत मायने रखता है। इसी युद्ध के बाद से बाबर निश्चित होकर के दिल्ली की सत्ता पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण योद्धा है उनके बारे में अध्ययन किया। हमने लगभग सारे क्वेश्चन इस जो ये लगभग 20 मिनट का वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं या जो इसके महत्वपूर्ण मैटर हैं। तो इसके बाद में नए वीडियो में फिर से एक नए योद्धा के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।